गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एसजे ब्लॉग्स इंडिया राइट के आज के इस एपिसोड में अभी हम कहाँ हैं? चुशुल में। वेलकम टू चुशुल। वेलकम टू चुशुल बोलने के लिए सबको घूस दिया है मैंने, एक एक चॉकलेट। अब इधर से चॉकलेट खोजना पड़ेगा, कौन सा चॉकलेट खाएगा, डेरी मिल्क या मंच, जो मिल जाए। ये देखो, हाय करो, हाय हाय, उधर पीछे जाके हाँ हाय करो, बोलो हाय। ये भाई से हम मिले थे लास्ट ईयर 2019 में गुरुदम्बर में, और ये मिले मुझे यहाँ पर चुशुल में। और ये जा रहे हैं, कहाँ जा रहे भाई? अल्ले, अब आगे की जर्नी दोनों भाई साथ में करेंगे। चलो भाई, अब एक से कुछ दिन तो दो भाई साथ में रहेंगे। क्या मनाली से उतरने का रास्ता कहाँ तक? हाँ, उसमें रास्ता उधर का बंद है अभी, थोड़ा बदमाशी करूंगा। चलो भाई बाय। बड़ा ही कोइंसिडेंस था, अचानक से एक ये भाई आए बाइक पे। पहले तो उनकी मैंने चोटी देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि इज इट अ गर्ल, इज इट अ लेडी राइडिंग। तो फिर उसके बाद फिर मैंने देखा, नो 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 नो, ही इज माई फ्रेंड। हम मिले थे जब मैं सिक्किम राइड कर रहा था तब, और मुझे कभी नहीं लगा था कि इस तरह से हम मिलेंगे। ये जो विलेज है चुशुल, ये 14,500 फीट के हाइट पे है, मतलब जोजिला पास से ऊपर है। सागाला तक रोड ऐसा ही मिलेगा, ये मुझे उस भैया ने बताया था। उस पहाड़ी का नाम है ब्लैक टॉप, और वहाँ पे अपनी इंडिया की और चाइना की पोस्ट है। कुछ दिन पहले मैं आपको दिखा रहा था LOC, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ LAC, दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। भाई उधर चल रहा है बवंडर, जो हवा बहुत तेज़ होती है और मिट्टी को आप अपने में साथ घुमा लेती है, वो वही वहाँ पे बवंडर चल रहा है। ये रोड है साकाला बुम बुम, साकाला का रोड है। यहाँ से 10 किलोमीटर पर रेजांगला वॉर मेमोरियल है, 13 कुमाऊं। ब्लैक नेक्ड क्रेन माइग्रेट्स हियर फॉर ड्यूरिंग समर प्रोटेक्ट इट्स हैबिटेट। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया था बर्ड, वो ब्लैक नेक्ड क्रेन था। रेजांगला वॉर मेमोरियल जाने से पहले मैं आपको थोड़ा रेजांगला वॉर के बारे में कि क्या है ये स्टोरी, ये बताना चाहूँगा। 1962 में एक वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया था, और वॉर का जो रीज़न था वो था डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज। आज से नहीं, इनफैक्ट आज़ादी के टाइम से नहीं, बहुत पुराने टाइम से, ब्रिटिशर्स के बीच पुराने टाइम से इंडिया और तिब्बत के बीच, या किंगडम ऑफ लद्दाख और किंगडम ऑफ तिब्बत के बीच हमेशा से जो बाउंड्री है उसका डिस्प्यूट रहा है। क्योंकि पहले के टाइम पे कोई उतना ऊपर हिमालय में या फिर ठंड में जाता नहीं था, रहता नहीं था, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब सारी फैसिलिटीज़ आने लगी तो लोगों को और ज़मीन चाहिए थी, जिसको लेकर एक डिस्प्यूट बना। अब चाइना का कहना था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, जिसको वो अपना साउथ ऑफ तिब्बत का पार्ट मानता था, वो उसका कहना था कि ये हमारा है, इनफैक्ट अक्साई चिन भी हमारा है। तो चाइना ने इन दोनों के लिए लड़ाई और अपने सैनिक को तैयार कर दिया। हमारे सैनिक जब भी उधर जाते थे लड़ाई होती थी, हम उस टाइम आज़ादी लेकर खड़े ही हुए थे, घुटनों से अपने पैर पर चलना ही सीखा था, जिस पर चाइना हम पे बार बार अटैक कर रहा था। उस टाइम हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी ने चाइना को गिफ्ट में UN से दिया हुआ वीटो पावर, जो इंडिया को मिल रहा था, इंडिया ने चाइना को दिया, ये सोचकर कि, और इनफैक्ट एक पंच सील समझौता भी किया था, जिसके अंतर्गत ये था कि चाइना
और इंडिया कभी आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, हमेशा अपने एक दूसरे के रेस्पेक्ट करेंगे। लेकिन चाइना तो चाइनीज़ है, उस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। तो चाइना ने ये सारे समझौते, ये सारे ट्रीटीज़ तोड़ दिया था 1962 में। चाइना ने बोला कि अक्साई चिन हमारा है और अरुणाचल आपका है, ये मान लो। तो नेहरू का कहना था नहीं, अक्साई चिन हमारा है, हम आपको नहीं देंगे, जो कि सही बात थी। उससे पहले तक, 1962 से पहले तक, इंडिया के फौज अक्साई चिन जाते थे, वहाँ पेट्रोलिंग करते थे। और मैकमोहन लाइन, जो कि नॉर्थ ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ तक उसके ऊपर भी जाते थे। उस टाइम नेहरू ने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी आईबी के कहने पे, जिसका नाम था फॉरवर्ड पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत क्या था, नेहरू ने सारे ही आर्मी को बोला कि भाई जितने भी फ्रंट पोस्ट हैं उस पर अपना सिर्फ पहरा ही मत दो, उस पर अपनी पोस्ट बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सैनिक को वहाँ डिप्लॉय करो। जिसको देखकर चाइना भड़क गया, चाइना पहले से ही वॉर करना चाहता था, उसने तिब्बत में अपनी सारी आर्टिलरी एम्युनेशन सब कुछ वहाँ पर जमा करके रखा था। तो ये होते ही, ये देखते ही चाइना ने ये बोला पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे कि शायद इंडिया का ये उद्देश्य है कि वो तिब्बत पे अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है या फिर तिब्बत को आज़ाद कराना चाहता है। क्योंकि उस टाइम इंडिया ने, नेहरू जी ने दलाई लामा जी को अपने इंडिया में शरण दी थी, धर्मशाला में बहुत सारी लैंड दी थी। चाइना इससे भी थोड़ा बौखलाया हुआ था, उसको वैसे भी रीज़न चाहिए था। उसने अटैक किया और इतना ज़ोरदार अटैक हुआ, इंडिया के तरफ से भी हुआ, चाइना की तरफ से भी हुआ। चाइना उस टाइम थोड़ा सा हम पे भारी था, क्योंकि हमारी बहुत सारी गलतियाँ थी, हमने एयरफोर्स यूज़ नहीं किया, हमने नेवी यूज़ नहीं किया, जिसको यूज़ करके हम चाइना को कमज़ोर कर सकते थे। लेकिन नेहरू को डर था कि अगर हम एयरफोर्स यूज़ करेंगे तो चाइना भी अपना एयर स्ट्राइक करेगा, हमारे बहुत सारे लोग तबाह होंगे। उस टाइम की सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। उसके बाद चाइना ने इतना ज़्यादा अटैक किया कि वो भालुकपोंग से नीचे आ गए थे, वो तेजपुर तक पहुँच गए थे अरुणाचल में। और उनका कहना था कि हम बस यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे जाएंगे, इंडिया उसके लिए भी तैयार नहीं था। चार दिनों का वॉर हुआ, फिर एक दो हफ्ते शांति हुई, फिर वॉर हुआ। तो उसी टाइम एक वॉर हुआ था जिसका नाम था बैटल ऑफ रेजांगला। रेजांगला 17,000 फीट की हाइट पर है और वहाँ पे हमारे 124 के आसपास जवान तैनात थे और उन्होंने 1400-1300 लोगों को मौत के घाट उतार दिए थे, जो चाइनीज़ के सिपाही वहाँ पर अटैक करने आए थे। और उसी में हमारे 113 जवान शहीद हुए थे, जिनकी याद में ये एक वॉर मेमोरियल बनाया गया है जिसका नाम है रेजांगला वॉर मेमोरियल। तो हम आ चुके हैं रेजांगला वॉर मेमोरियल पे और यहाँ इसके बारे में हमें सर बताएंगे और जो जो बताएंगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मुझे पता चला है कि यहाँ पर 114 लोग शहीद हुए थे, उनकी ये वॉर मेमोरियल के तौर पर बनाया गया है। और 1999 से पहले क्या होता था कि जितने भी लोग आर्मी में शहीद होते थे उनकी बॉडी वहीं पे उनको अंतिम संस्कार किया जाता था। तो ये है एक ज़ीरो पॉइंट जिसका नाम है अहिर धाम 0 किलोमीटर। ये इसलिए क्योंकि उस टाइम जितने भी लोग शहीद हुए थे मेजरली अहिर कास्ट के थे। तो यहाँ पे 113 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ था, बाकी जो उस टाइम के जो कंपनी कमांडर थे, शायद उनका नाम शैतान सिंह था, तो उनकी बॉडी घर भेजी गई थी। तो 113 लोगों को यहाँ पे अंतिम संस्कार दिया गया था। बाकी ये जितना भी टाइल्स आप देख रहे हो ये स्पेशली इस जगह के लिए यहाँ पे मंगाया गया है राजस्थान से। और ये है रेजांगला वॉर मेमोरियल। ये ब्लैक टॉप, ये चाइना का है, अभी भी चाइना है इस पे? अभी तो पोस्टर डाउन है। अच्छा, नीचे है पोस्टर। इधर इधर जो भी पहाड़ियाँ, ये हमारी, ये हमारा ही है। अच्छा, इधर हमारे है। अच्छा, और 1962 में इसके आगे आ गया था, यहाँ तक ही आ गया था शायद। और मैंने सुना 2019 में भी यहाँ पे फाइट वाइट हुई। 2019 में अपनी कंपनी ऊपर थी, फौज यहाँ डिप्लॉय थी, यहाँ डिप्लॉय थी, यहाँ पे डिप्लॉय। अच्छा, बाकी उसके बाद बातचीत के बाद अभी फौज ज्वाइन हुई। अच्छा, तो ये जो बजरी देख रहे हो इसको स्पेशली पेंगोंग लेक से, अरे मेरी आवाज़ गूंज रही है, इसको स्पेशली पेंगोंग लेक से बुलाया गया, मतलब मंगाया गया पेंगोंग लेक के अंदर से निकाल के। और यहाँ पे सारे जवानों के नाम लिखे हुए हैं, इधर भी सारे जवानों के नाम लिखे हुए हैं। बाकी ये जो फ्लैग है,
इसकी पोल की हाइट 108 फीट है। अच्छा, बाकी जो फ्लैग है इसकी लेंथ 36 फीट, ब्रेड्थ 24 फीट। ये जो आपके सामने फोटो है ये 1962 के बाद वापस 2019 में, ये पिछले साल चली 2019 में, 19 में जब हमारी सेना वापस रेजांगला के ऊपर चढ़ी थी तब इस जगह पे, जिस ये वही जगह है जहाँ पर 114 लोगों का डेड बॉडीज़ मिला था जो शहीद हुए थे, मेजर सैतान सिंह परमवीर चक्र उनका भी मिला था। तो यहाँ पे ये कुमाऊँ रीजन के जो सैनिक हैं उन्होंने ये बनाया था। बाकी ये पूरा फोटो है और यहाँ पे ये पूरा एक दर्शा रहा है कि उस टाइम इंडियन आर्मी किस टाइप से वॉर करती थी, उनके पास क्या इक्विपमेंट्स होते थे, और ये चाइनीज़ है जिनको वो जिस पर वो अटैक कर रही है। सिमिलरली यहाँ भी उसी तरीके से दिखाया गया है। ये 303 है सर, ये वो वेपन्स है जो 1962 के वॉर में यूज़ हुए थे, ये सारे इस टाइप के हुए थे, ये एग्जैक्ट वो नहीं है जो यूज़ हुए थे। लेकिन इधर आप देखोगे तो 1962 के बाद जब 2019 में रेजांगला पे वापस हमारी इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया तो ये सारे वेपन्स मिले हैं, करीब 50 साल के बाद ये वेपन्स मिले, और ये अपने में प्राउड की बात है। ये सारी चीज़ें जो उस टाइम यूज़ हुआ होगा, पीस ऑफ ग्लास रिटन, बैटरी सेल, एमिनेशन बॉक्स, CGI शीट, ब्लड स्टेन्ड सॉइल, इसमें खून था, और ये हेलमेट, ये सारे उस टाइम के यूज़ किए हुए हैं जो हमारे सैनिकों ने यूज़ किए थे। ये है मेजर सैतान सिंह परमवीर चक्र, और ये सारे लोग हैं जिनको मेडल्स मिले थे, लेफ्टिनेंट कर्नल HS डिंगरा, जेम रामचंद्र, NK गुलाब सिंह, और भी बहुत सारे लोग, उनकी फ़ोटोज़ है यहाँ पे, और रेजांगला वॉर मेमोरियल की कुछ फ़ोटोज़ है। ये जो मैंने आपको अहिर धाम, अहिर 0 किलोमीटर दिखाया था, ये उसी जगह की फ़ोटोज़ है, उस टाइम के डेड बॉडीज़ कुछ इस तरीके की पड़ी हुई थी हमारे शहीद जवानों की। रिमेन्स ऑफ द फॉलन स्ट्रेन अक्रॉस द बैटल फील्ड एट रेजांगला। तो ये फ़ोटोज़ है रेजांगला आफ्टर द बैटल, अपने 114 जवान शहीद हुए थे उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं, और इसके बदले जो चाइनीज़ जो लड़ाई हुई थी उनके कितने सर 1300 जवान शहीद हुए थे। और ये देखो ये कुछ फोटोज हैं, लास्ट मैन लास्ट राउंड, ये कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से चाइनीज़ ने हम पे अटैक किया था, और हमारे मोर्टार सेक्शन इस टाइप के थे, कंपनी कमांडर बेस था ये। बाकी ये इधर देखो आप, ये सारी चीज़ें भी जब हमारी आर्मी वापस से चढ़ी थी रेजांगला पे तो ये सारी चीज़ें मिली है, वाटर बॉटल, 51 mm कंटेनर, स्प्लिंटर्स, बम की छीटें हैं, फ्रूट टिंड। तो ये पूरा मैप बनाया गया है कि 1962 से पहले जो ये आप डार्क बॉर्डर देख रहे हैं ये एक्चुअल मैप था, ये चाइना इधर था, इंडिया इधर था, इनकी जो झील थी ये आधी हमारे एरिया में थी, लेकिन अभी ये सारा इधर आगे आ गया। या कहाँ तक आ गया सर, ज़ेब्रा हिल वगैरह उनके पास है अभी तो? चलो इतना नहीं, मतलब यहाँ तक है आ गया। अच्छा, और ये कुछ फोटोज़ यहाँ के उस टाइम के 1962। ये है एग्जैक्ट इंडिया का मैप, ये जो आप इस टाइप का देख रहे हो ये हमारा ओरिजिनल बॉर्डर है, लेकिन फ़िलहाल ये अक्साई चिन चाइना के पास है, ये वाला एरिया, ये वाला पूरा एरिया POK पाकिस्तान के पास है। तो अभी हम ये इधर का हो गया LOC और इधर का हो गया LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो कुछ इस तरीके का मैप है अभी। ये 2-inch मोटार बॉम्ब्स है जो कि अब 2020 पे ली गई है और 1962 के यूज़ किए हुए हैं रेजांगला पर। ये वो सारी यूनिट है जो जब वॉर हो रहा था तो उस टाइम ये सारी यूनिट्स डिप्लॉयड थी। हमने वॉर मेमोरियल अच्छी तरीके से देख लिया, बहुत सारी कहानियाँ जो सुनी है वो आपको थोड़ी देर में बताएंगे। यहाँ के एरियाज़ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें, कौन कौन सा पीक है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। यहाँ पे एक कैफेटेरिया है और कुछ कुछ चीज़ें जो आप ख़रीद सकते हो, जैसे फ्रिज मैगनेट्स और बैचेस वगैरह। तो एक फ्रिज मैगनेट मैंने लिया है और अभी मैं यहाँ पर खाऊँगा, क्या है सर ये,
पेटीज, तो मैंने एक पेटीज ऑर्डर किया और मैं पेटीज खाऊंगा फिर यहाँ से आगे चलेंगे। तो रेजांगला वॉर मेमोरियल से अब हम चल रहे हैं यहाँ से वापस। ये जो सामने ये पूरा रेंज है, ये है कैलाश रेंज, और लास्ट 2019 में जो मैंने देखा भाई, वो फिर से 1962 से ज़्यादा वाला वॉर होने वाला था इधर इंडिया चाइना में, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के कारण दोनों कंट्रीज़ की आर्मी वापस अपने पोस्ट पे गई। ये इस साइड है कैलाश रेंज और इस साइड है लद्दाख रेंज। आज मुझे सच में बहुत ज़्यादा ही गर्व हो रहा है अपने इंडिया की सेना पर, इंडिया की आर्मी पर, जितने भी लोग हमारे देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देते हैं उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। सारे वीर सिपाही एक ही चीज़ कह रहे थे कि चाहे पड़े सर को कटाना, कदम पीछे मत हटाना। तो मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगा रेजांगला से हानले तक की यात्रा के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक बारी कमेंट सेक्शन में अपने इन वीर जवानों के लिए जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं गाइस नए वीडियो पर नए कंटेंट के साथ, हाले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम।